नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर, आप देख रहे हैं ग्रेड आई फायर। आज हम एविएशन फायर ऑपरेशन की यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। आप लोग जब भी इन वीडियोस को देखें, आपके पास आपका सिलेबस जरूर होना चाहिए ताकि आपको मालूम रहे कि हम लोग किस किस टॉपिक को टच कर चुके हैं, क्योंकि जब हम इन वीडियोस के बाद जब एक्चुअल में पढ़ाई शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट सिलेबस को लेकर चलेंगे, तो आपको मालूम रहेगा कि कितने परसेंट आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट कैटेगराइजेशन की कि एयरपोर्ट की कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो ये होती हैं टोटल 10, 1 से लेके 10 तक। अब किस फैक्टर से इनको डिसाइड किया जाता है, कैसे कैसे इनको कैटेगराइज किया जाता है, चलिए हम उनको देखते हैं। इसके लिए बेसिकली 2 फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, तीसरे फैक्टर को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। जो पहले 2 फैक्टर हैं उसमें क्या है, सबसे पहले देखा जाता है एयरक्राफ्ट की ओवरऑल लेंथ कितनी है, उसके बाद देखा जाता है कि उस एयरक्राफ्ट की फ्यूजलेज की मैक्सिमम विड्थ कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। ये 2 फैक्टर होते हैं जो इनिशियली डिसाइड करते हैं कि इस एयरपोर्ट की एयरपोर्ट कैटेगरी क्या होगी। ये कैसे डिसाइड होता है कि किस एयरक्राफ्ट की हम लेंथ और विड्थ को कंसिडर करेंगे, जो उस एयरपोर्ट का बड़े से बड़ा जहाज होगा, जो बड़े से बड़ा एयरक्राफ्ट होगा उसकी लेंथ और उसके फ्यूजलेज की विड्थ को कंसिडर किया जाता है उस एयरपोर्ट की कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए। तो हम सबसे बड़े एयरक्राफ्ट की लेंथ को कंसिडर करेंगे और उसके फ्यूजलेज की विड्थ को कंसिडर करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ये एयरपोर्ट कौन सी कैटेगरी का एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट 1 है, एयरपोर्ट 7 है, एयरपोर्ट 10 है, किस कैटेगरी में ये एयरपोर्ट आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उस तीसरे फैक्टर की जो एक्चुअल में डिसाइड करेगा कि एयरपोर्ट कैटेगरी होनी क्या चाहिए। इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, एयरक्राफ्ट की लेंथ को देखेंगे, उसकी फ्यूजलेज की विड्थ को देखेंगे और एक हम लोग उसको एक कैटेगरी में डाल देंगे, जैसे अभी आपने इस पूरे लिस्ट में देखा भी होगा। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा फैक्टर होता है मूवमेंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरपोर्ट मूवमेंट क्या होता है, एयरपोर्ट मूवमेंट होता है किसी भी एयरपोर्ट के पूरे एक साल के अंदर जो भी सबसे बिजी 3 लगातार महीने होंगे, 3 कंजेकटिव मंथ्स जो सबसे बिजी होंगे, बिजिएस्ट मंथ, उनमें कितनी एयरक्राफ्ट की मूवमेंट्स हुई उनको हम लोग काउंट करेंगे। एयरक्राफ्ट मूवमेंट का मतलब चाहे कोई एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है वो भी उसकी मूवमेंट है, चाहे वो टेक ऑफ कर रहा है वो भी उसकी मूवमेंट है। अगर एक एयरक्राफ्ट लैंड भी कर गया, कुछ टाइम के बाद वो टेक ऑफ भी कर गया, तो इस एयरक्राफ्ट की आज की डेट की 2 मूवमेंट हो गई, एक लैंडिंग और दूसरी टेक ऑफ। तो एयरक्राफ्ट की जो मूवमेंट्स हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है चलिए देखते हैं। पॉइंट ए हमें क्या बताता है कि कोई भी एयरपोर्ट जिस पे अभी आपने जिसको कैटेगराइज किया था उसकी बड़े से बड़े एयरप्लेन की लेंथ और विड्थ को देख के, फ्यूजलेज को आपने जैसे ही डिसाइड किया कि ये इस कैटेगरी का एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट की वो जो हाईएस्ट कैटेगरी थी, उस हाईएस्ट कैटेगरी में जितने भी प्लेन्स वहाँ पर लैंड हुए, वहाँ से टेक ऑफ किया, जो भी उनकी मूवमेंट रही, वो सभी प्लेन्स की अगर आप कैलकुलेट करते हैं, केवल उनकी जो हाईएस्ट कैटेगरी के आते हैं, उन एयरप्लेन्स की अगर टोटल मिला के अगर 700 से ज्यादा एयर मूवमेंट बनती है तो उस कैटेगरी को बिल्कुल वही मान लिया जाता है। अगर किसी कारणवश उस एयरपोर्ट पे अगर 700 से कम मूवमेंट्स होती हैं तो उसकी कैटेगरी को अगर 5 आपने माना था तो वो 4 रह जाएगा, अगर आपने 8 माना था तो वो 7 रह जाएगा, उसकी कैटेगरी 1 कम हो जाएगी। तो मूवमेंट जो है एक्चुअल में फाइनली ये डिसाइड करता है कि उस एयरपोर्ट की कैटेगरी क्या होगी। सपोज कीजिए जो हाईएस्ट कैटेगरी के प्लेन्स थे वहाँ पे वो 700 से ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, तो उसकी कैटेगरी जो भी अभी आपने डिसाइड की थी उसकी लेंथ और फ्यूजलेज की विड्थ को मापते हुए वही कैटेगरी में उस एयरप्लेन को, उस एयरपोर्ट को रखा जाएगा। अदरवाइज अगर उस एयरपोर्ट पे मूवमेंट जो है वो 700 से कम रहती है सभी एयरोप्लेन्स की मिला के, जो भी हाईएस्ट कैटेगरी के आते हैं, जो छोटी कैटेगरीज में है उनको आपने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है, जो भी हाईएस्ट कैटेगरी के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उस एयरपोर्ट पर जो लैंड होते हैं, जितनी उनकी मूवमेंट्स रही, चाहे टेक ऑफ रहा चाहे लैंडिंग रही, सभी को अगर टोटल करके देखते हैं और फिर भी वो 700 से कम निकलती है तो जो भी उसकी कैटेगरी होगी उसको एक कैटेगरी कम कर दिया जाएगा, एक पॉइंट कम कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर वो 7 थी तो अब उसको 6 कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि एक एयरपोर्ट की
कैटेगरी क्या होगी। तो ये एक से लेके 10 कैटेगरीज तक होती है। ये कैटेगरीज इसीलिए डिसाइड की गई हैं, इसीलिए डिफाइन की गई हैं, ताकि हम लोग उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फायर सेफ्टी के प्रोविजन दे सकें। एयरपोर्ट कैटेगरी 1 के फायर प्रोविजन कुछ और होते हैं, एयरपोर्ट कैटेगरी 10 के फायर प्रोविजन जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एयरपोर्ट कैटेगरी 1 के कंपेरिजन में। तो ये कैटेगरीज इसीलिए बनाई गई हैं ताकि हम लोग उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर फायर सेफ्टी के प्रिवेंशन दे सकें। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल एरिया कॉन्सेप्ट की। क्रिटिकल एरिया दो टाइप के होते हैं, प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया, थ्योरेटिकल क्रिटिकल एरिया। थ्योरेटिकल क्रिटिकल एरिया हो या प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया हो, इनको इसीलिए बनाया गया है, ये कॉन्सेप्ट इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जितने भी लोग जो एयरक्राफ्ट में मौजूद हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, फ्यूजलेज के अंदर ऐसी कंडीशन मेंटेन करके रखी जा सके कि वो लोग वहाँ पर जीवित रहें, वो सर्वाइव कर पाएँ। और इनिशियली अगर ऐसी कंडीशन बनी रही तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन सब लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा, उन सब लोगों को बचा लिया जाएगा। तो उन लोगों को बचाने के लिए, उन लोगों की सेफ्टी के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एरिया को इंट्रोड्यूस कराया गया। दो टाइप के ये क्रिटिकल एरिया कॉन्सेप्ट होते हैं, पहला है प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया और दूसरा है थ्योरेटिकल क्रिटिकल एरिया। तो थ्योरेटिकल क्रिटिकल एरिया को अभी डिस्कस करते हैं, उसी का 66% होता है प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया। थ्योरेटिकल क्रिटिकल एरिया एक रेक्टेंगल होता है, ये रेक्टेंगल कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, ये डिसाइड किया जाता है उस एयरक्राफ्ट से जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ है। जितनी उस एयरक्राफ्ट की लंबाई होगी उतनी ही लंबाई आपके थ्योरेटिकल क्रिटिकल एरिया की होगी, लेकिन चौड़ाई के लिए आपको उसके फ्यूजलेज की विड्थ को देखना होगा, उसके आधार पर फाइनल किया जाएगा कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप देखिए, आप इजीली समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग इसकी लंबाई को इंश्योर करते हैं, कैसे हम लोग इसकी चौड़ाई को इंश्योर करते हैं और एक कंप्लीट थ्योरेटिकल क्रिटिकल एरिया को फाइनलाइज करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि थ्योरेटिकल क्रिटिकल एरिया कैसे हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, उसकी विड्थ है जो फ्यूजलेज उसकी है, उसकी फ्यूजलेज की विड्थ जो है वो 2 मीटर है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये इस कैटेगरी में आएगा कि जितने भी एयरक्राफ्ट हैं जिनकी 12 मीटर से कम लेंथ है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एल इंटू 12 प्लस विड्थ। तो इसमें हम लोग इन वैल्यूज़ को कैसे पुट करेंगे, 10 मीटर्स को हमने लेंथ ले लिया, 10 इंटू 12 प्लस 2 मीटर विड्थ, तो ये विड्थ हमने यहाँ पे डाल दी, तो 14 इंटू 10, तो ये निकल के आया हमारा 140 मीटर स्क्वेयर। ये होगा हमारा थ्योरेटिकल क्रिटिकल एरिया। अगर आपका कोई ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसकी लेंथ जो है वो 12 मीटर से ज़्यादा है, तो उसके लिए आप इस लिस्ट में देखिए, इन फॉर्मूलाज को आप देखिए, इन फॉर्मूलाज के आधार पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि थ्योरेटिकल क्रिटिकल एरिया कितना बड़ा या कितना छोटा होगा। अब बात करते हैं क्रिटिकल एरिया के दूसरे कॉन्सेप्ट की। अभी हमने बातचीत की, ये था थ्योरेटिकल क्रिटिकल एरिया। अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया क्या होता है, ये और थोड़ा सा छोटा होता है उससे, ये उसका केवल 66% होता है। थ्योरेटिकल एरिया का 66% होता है प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया। ये बिल्कुल ही फ्यूजलेज को टारगेट करता है कि बिल्कुल वहाँ पर आप ऐसी कंडीशंस को मेंटेन करके रखिए कि अंदर जो ऑक्युपेंट हैं वो सेफ रहें। तो जो अभी हमने थ्योरेटिकल क्रिटिकल एरिया निकाला है एक एयरक्राफ्ट का, जिसकी लेंथ थी 10 मीटर, जिसकी विड्थ थी 2 मीटर, उसका थ्योरेटिकल क्रिटिकल एरिया ये बना। अगर हम उसका प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया निकालते हैं तो क्या करेंगे, इसका जो भी 66% होगा, 66% जो भी आपका इस 140 का निकल के आएगा वो हो जाएगा इसका प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनका बेसिकली यही मकसद होता है कि जितने भी एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद लोग हैं, जो फ्यूजलेज एरिया है वहीं पे सारे ऑक्युपेंट्स होते हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए थ्योरेटिकल क्रिटिकल एरिया और प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया को डिसाइड किया जाता है। चलिए अब हम एक टॉपिक लेते हैं यूनिट नंबर 4 से। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एयरक्राफ्ट की कंस्ट्रक्शन में कौन से मेटल्स लगते हैं उनके बारे में बताइए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम अलॉय की। एल्युमिनियम अलॉयज एयरक्राफ्ट में बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्किन सरफेस, फॉर्मर्स, स्ट्रिंगर्स, स्पार्स, इन सब में एयरक्राफ्ट में एल्युमिनियम अलॉय को यूज़ किया जाता है। इसके बाद मैग्नीशियम अलॉय। मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही लाइट और स्ट्रॉन्ग मेटल होती है, इसलिए इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट व्हील हब असेंबलीज, इंजन माउंटिंग ब्रैकेट्स, इन जगहों पर मैग्नीशियम अलॉय को यूज़ किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम टाइटेनियम अलॉय की। टाइटेनियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल होती है, इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है इंजन फायरवॉल्स में, टेल पाइप केसिंग में
और टर्बाइन इंजन के जो ब्लेड होते हैं उन ब्लेड्स को बनाने में टाइटेनियम एलॉय का यूज़ किया जाता है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो स्टेनलेस स्टील बहुत जगह यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट में, जैसे नट्स बोल्ट्स वगैरह या फिर अंडरकैरेज के कुछ पार्ट्स हैं वो स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। तो ये हैं कुछ मेटल्स जो एयरक्राफ्ट में यूज़ की जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं पिस्टन इंजन क्या होता है। एयरक्राफ्ट में बेसिकली दो इंजन पाए जाते हैं, एक होता है पिस्टन इंजन और दूसरा होता है गैस टर्बाइन इंजन। तो पिस्टन इंजन क्या होता है, पिस्टन इंजन के अंदर हम देखते हैं कि ये 2 सिलेंडर 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर तक होते हैं। पिस्टन इंजन में पिस्टन के लीनियर मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट किया जाता है वाया क्रैंकशाफ्ट। ये क्रैंकशाफ्ट प्रोपेलर के साथ कनेक्टेड होती है और ये उस प्रोपेलर को ड्राइव करती है। पिस्टन इंजन में जो फ्यूल यूज़ होता है वो मोस्टली एवगैस यूज़ होता है, एविएशन गैसोलीन, और इसका बहुत ही कम फ्लैश पॉइंट होता है और ये बहुत ही हजार्डस होता है। अब बात करते हैं गैस टर्बाइन इंजन की। गैस टर्बाइन इंजन बेसिकली चार टाइप के होते हैं, टर्बोजेट, टर्बोफैन, टर्बोप्रॉप, टर्बोशाफ्ट। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में आज नहीं पढ़ेंगे, किसी और दिन किसी और वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे एयरक्राफ्ट के इंजन्स की, पिस्टन इंजन, गैस टर्बाइन इंजन। अब इन इंजन्स में फ्यूल कौन सा यूज़ होता है, बेसिकली अगर जेनरिक लेवल पे हम लोग बात करें तो इसमें पेट्रोल या केरोसिन यूज़ होते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ्यूल की हम लोग चर्चा करते हैं जो पिस्टन इंजन में यूज़ होता है, जिसका नाम है एवगैस। एवगैस मतलब एविएशन गैसोलीन। एवगैस का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, फ्लैश पॉइंट बहुत कम होता है और इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो 450 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात करते हैं जेट एवन की। चलिए देखते हैं जेट एवन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जेट एवन का वेपर प्रेशर लो होता है, फ्लैश पॉइंट इसका नॉर्मल होता है और इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो 245 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं जेट बी की, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जेट बी एक ऐसा केरोसिन फ्यूल होता है जिसमें नेफ्था बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसका वेपर प्रेशर नॉर्मल होता है, फ्लैश पॉइंट बहुत कम होता है और इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि एविएशन फ्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो यही उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उनका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है कि कम, उनका फ्लैश पॉइंट क्या है, ज़्यादा है कि कम, या फिर उनका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो ये होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इन पॉइंट्स को अगर लिखते हैं एक टेबल बना के, अभी हम लोग इस टेबल को भी देखेंगे, इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा और भी फ्यूल्स होते हैं जिनको एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है, इनके नाम हैं एवकेट, मोगैस, हाइड्राजीन, एवपिन। एवपिन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये मोनोफ्यूल होता है। मोनोफ्यूल मतलब ऐसा फ्यूल जो खुद ऑक्सीजन को भी जनरेट करता है। तो अगर आप लोग इसको स्मोदरिंग मेथड से अगर बुझाने की कोशिश करेंगे कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई काट दें तो ये कभी नहीं बुझता। क्यों? क्योंकि ये खुद में ही ऑक्सीजन को जो है प्रोड्यूस कर लेता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण इसकी आग कभी नहीं बुझती। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग फायर सर्विस में काम करते हैं या जो लोग ग्रेड आई करना चाहते हैं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा विद दीज वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।